बच के रहना है, याद रखिएगा। गेल पास गेला तो गेला बेटा, जे पास गेला तो गेला बेटा। सारे सीट दे दिए, एक सीट बस रखा तो सारा ही सीट मान लिया कि दे दिया, तो सारा सीट देने के बाद मिला क्या? मिला रोजगार दिया इन लोगों ने, 2 करोड़ दिया नहीं दिया, ठगा गए। घर नहीं नहीं, छत वाला घर मिला, ठगा गए। फैक्ट्री तो खुल गया होगा बिहार में, कोई आदमी नहीं जाते होंगे बाहर कमाने। महागठबंधन के तमाम साथी जो इस प्रांगण में अभी मौजूद हैं, तमाम जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, महागठबंधन के तमाम एक एक क्रांतिकारी कार्यकर्ता जो इस तपती हुई धूप में भी, जलती धूप में भी धूप की प्रवाह ना करके अपनी उपस्थिति से जीत की घोषणा आज ही कर दी है कि सीतामढ़ी से अगर कोई जीत रहा है तो वो नाम सिर्फ अर्जुन राय है। आप लोग अपना मकसद भी एक रखिएगा, जो निशाना है वो बिल्कुल उस तीर को टुकड़ा ही कर देना है, और तीर को टुकड़ा करना है, और हमारा मकसद है ये अल्टा पलटा, ये तीर एक बार छूटा तो कहां जाके लगेगा पता ही नहीं चलेगा। तो ये अल्टा पलटा का दिन गया और लालटेन अर्जुन राय जी ने थाम लिया। आप जनता जिताने का काम करेंगे, ये उपस्थिति आप लोगों ने दर्ज कराई है। और वैसे भी उसके पास क्या जाना, जो पैरवी भी करेगा तो पहले नाम पूछेगा, जो दरवाजे पे लड्डू पानी भी पिलाएगा तो पहले नाम पूछेगा, और नाम के बाद जो लगता है ना, नाम के बाद जो लगता है ना टाइटल, वो टाइटल पहले देखेंगे। जो ऐसा ना होता ना तो आज सीतामढ़ी में एक एक पोस्टिंग ब्लॉक लेवल से लेकर के थाना से लेकर के बड़े पदाधिकारी से लेकर छोटे पदाधिकारी तक टाइटल देख के नहीं किया जाता। तो टाइटल देख करके करने वालों को उनके टाइटल तक सीमित कर देते हैं। टाइटल वाले अपनी टाइटल लेके रहो, हम बिना टाइटल वाले एक साथ सब हो जाते हैं, एक साथ सब हो जाते हैं। वैसे भी तीर छाप का एक कैंडिडेट वहां भी है जहां से मैं प्रत्याशी हूं, शिवहर से, बोलते हैं ना, बोलते हैं शेर का इलाका नहीं होता तो 14 साल पिंजरा में रह करके आए तो हैं, 14 साल शेर पिंजरा में रह के आया है। भैया हम लोग तो बकरी मेमना हैं, हम ना जाएंगे शेर के पास, हमको तो बच के रहना है। वही एगो शेर यहाँ भी है, बच के रहना है, याद रखिएगा। गेल पास गेला तो गेला बेटा, जे पास गेला तो गेला बेटा। और याद रखिएगा कि अगर सीतामढ़ी को में किसी ने विकास की इतिहास लिखा है तो वो डॉक्टर अर्जुन राय ने लिखा है। जो काम उनके द्वारा छूटा रह गया सो छूटा रह गया, आज तक पूरा नहीं हुआ। वो आरओबी जो है, वो सीतामढ़ी का पुल, आज भी गर्भवती महिलाएं दम तोड़ती, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते, आज भी वो पुल रास्ता देख रहा है तो अर्जुन राय भैया का ही देख रहा। तो सीतामढ़ी को बचाना है तो पकड़ लीजिए लालटेन और जला दीजिए, और अर्जुन राय भैया को सांसद बना दीजिए। इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है भाई। 2014 में 31 सीट आप लोगों ने दिया एनडीए को, 31 सीट 2014 में, 31, 2019 में 39। अरे पूरा का
पूरा सीट लेने के बाद भी बिहार को दिया क्या? तो अब कौन सा वादा करेंगे? सारे सीट दे दिए, एक सीट बस रखा तो सारा ही सीट मान लिया कि दे दिया, तो सारा सीट देने के बाद मिला क्या? मिला, रोजगार दिया इन लोगों ने, 2 करोड़ दिया नहीं दिया, ठगा गए। घर नहीं नहीं, छत वाला घर मिला, ठगा गए। फैक्ट्री तो खुल गया होगा बिहार में, कोई आदमी नहीं जाते होंगे बाहर कमाने, बाहर कमाने नहीं जाते होंगे ना, सब बाहर जाते हैं, फिर ठगा गए, फिर तो और ठगाना है का? और ठगाना है क्या? अरे तो नहीं ठगाना है ना, तो नहीं ठगाना है, पीछे से भी आवाज दीजिए कि अब नहीं ठगाना है। भैया ये तीर का कोनो भरोसा नहीं, एक बार एन्ने से निकला तो बाएं गिरेगा कि दाएं गिरेगा कि सीधा जाएगा कि केन्ने जाएगा, वो तीरों को पता नहीं है। तो जिसका पता नहीं है उसका तो नाम लेना बेकार है। तो कौन सा नाम लेना है? कौन सा नाम लेना है? और जितने व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, जो व्यवसाय करते हैं, उनको भी सावधान कर देना चाहती हूँ कि जो वैसे समाज है, व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, जो व्यवसाय करते हैं, उनकी स्थिति भी इस भाजपा सरकार में दयनीय हो गई। नहीं, कपड़े बेचने वाले ने की जगह पे जो दुकानदार छोटे मोटे कपड़े की दुकान चलाते थे, आज ब्लॉक स्तर पर रियलाइंस ट्रेंड्स खुल रहा है। ये सब्जी वाले, ये फल वाले, ये ठेले वाले जो सब्जी और फल बेच करके अपना पेट भरते थे, रियलाइंस फ्रेश खुल रहा है। ये जितने हमारे सर्राफ जो सोनार समाज से जो लोग नहीं होते, जो ज्वेलर्स का काम करते हैं, क्या बोलते हैं वो, वैसे समाज के जो लोग जो ज्वेलर्स का काम करते हैं, उसकी जगह कौन खुल गया? रियलाइंस ज्वेलर्स। हाँ, ये सारे कहने का मतलब कि बात किसी जाति की नहीं है, बात है कि सारा जो समुदाय ही जो व्यवसाय करता है, वो सारा व्यवसाय वर्ग ही खतरे में है, नौजवान खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है, बचा लीजिए। और अभी तो सीतामढ़ी बचाने की बारी है, सीतामढ़ी को बचा लीजिए और अर्जुन राय भैया को सांसद बना दीजिए। बहुत धन्यवाद, सीतामढ़ी सिवार दोनों बचेगा। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब हम पप्पू चौधरी जो सुरसंड नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं।